इंसान के बनने से पहले ग्रीक गॉड्स और टाइटंस के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें ग्रीक गॉड्स की जीत हुई। ज्यादातर टाइटंस को खत्म कर दिया गया था और बचे हुए टाइटंस को हमेशा के लिए टार्टरस नाम की अंडरग्राउंड काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उस समय से इन टाइटंस को द गॉड्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड और ओलंपियन ग्रीक गॉड्स को द गॉड्स ऑफ द हेवन बोला जाता है। हाउएवर, दो टाइटंस प्रोमीथियस और उनके भाई एपिमीथियस ने सोचा कि वो ग्रीक गॉड्स की साइड पर लड़ेंगे बजाय टाइटंस का साथ देने के। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोमीथियस के पास फ्यूचर को देखने की पावर थी और उन्हें पता था कि टाइटंस की हार होगी, इसलिए उन्होंने और उनके भाई ने ग्रीक गॉड्स का साथ दिया। और उनके इसी डिसीजन की वजह से ग्रीक गॉड ज़ूस ने दोनों भाइयों को दुनिया के हर जीव जंतु को बनाने की जिम्मेदारी दी। देखते ही देखते उन्होंने कई ऐसे क्रीचर्स बनाए जो उड़ सकते थे, कई तैर सकते थे, कई जीव साइज में बहुत बड़े थे और कई बहुत तेज भाग सकते थे। इस तरह से हर जीव को एक अलग टैलेंट दिया गया। और जब आखिर में इंसान को बनाने का समय आया, तब प्रोमीथियस कुछ स्पेशल करना चाहते थे। उन्होंने मिट्टी ली और उसे शेप देकर इंसानों को एकदम भगवान के स्वरूप में बनाया। लेकिन ज़ूस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इंसान भगवान की तरह अमर बने या फिर उनमें और भगवान में कोई भी समानता हो। ज़ूस ने बोला कि इंसान नश्वर यानी मॉर्टल ही रहेंगे और भगवानों की हर विश के आगे आज्ञाकारी रहेंगे। लेकिन प्रोमीथियस के दिमाग में इंसानों के लिए इससे एक बड़ा पर्पस था। प्रोमीथियस चाहते थे कि इंसान बाकी जानवरों के बीच सबसे अलग और सुपीरियर लगे, और इंसानों को उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए प्रोमीथियस ग्रीक गॉड हेफेस्टीज और गॉडेस एथीना की वर्कशॉप से आग को चुरा लाए और उन्होंने उस आग को इंसानों को गिफ्ट कर दिया। इंसान आग को यूज करके और जल्दी इवॉल्व होने लगे। वो अपने खाने को पकाने लगे, औजार बनाने लगे, आग की मदद से बड़े जानवरों को डराने लगे और अपने घरों को रोशनी से भरने लगे। जब ये बात ज़ूस तक पहुंची, तब वो प्रोमीथियस की इस हरकत से बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उन्हें एक सजा दी, जिसमें उन्हें समय के अंत तक एक चट्टान से बांधा गया और एक ईगल रोज आकर उनका शरीर चीर कर उनका लिवर खाती। उनका लिवर ओवरनाइट फिर से ग्रो करता और यही साइकिल इटर्निटी तक प्रोमीथियस को उनके गुनाह की याद दिलाएगी। और इसी तरह प्रोमीथियस ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया अपनी क्रिएशन के लिए। प्रोमीथियस की कहानी हर क्रिएटिव इंसान के बारे में है, क्योंकि हर क्रिएटिव इंसान में भी वो आग होती है जो उसे हर वो चीज करने को बोलती है जो ना तो नॉर्मल है और उसमें उसकी जान भी जा सकती है। हर इंसान को एक सर्टेन अमाउंट की लाइफ फोर्स दी जाती है, जिसे वो अलग अलग कामों जैसे करियर, पढ़ाई, सेक्स, लड़ाई, दोस्ती या फिर बस लाइफ को एंजॉय करने में यूज करता है। लेकिन एक क्रिएटिव इंसान की इंस्टिंक्ट्स उसे बोलती है कि वो अपनी लाइफ फोर्स सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस में ही इस्तेमाल करे। एक क्रिएटिव इंसान को उसकी बायोलॉजिकल नेचर हर समय झुंड से अलग चलने को बोलती है, और ये चीज सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असलियत में एक क्रिएटिव इंसान अपनी इसी क्रिएट करने की इंस्टिंक्ट की वजह से हमेशा अकेला रहता है और उन टेम्परेरी या फिर छोटे मोटे प्लेजर्स में खुशी नहीं ढूंढ पाता जो आम लोगों को खुश करते हैं। जब भी एक हाईली क्रिएटिव इंसान किसी आम प्लेजरेबल एक्टिविटी में एंगेज करता है, जैसे कोई टीवी शो देखना, अनएम्बिशियस लोगों के साथ पार्टी करना या फिर खुद की किसी बुरी आदत को परफॉर्म करना, तब उसके अंदर की आवाज बोलती है कि ये वो चीज नहीं है जो उसे उसके पर्पस तक ले जाएगी। और ये मैसेज उसे मिलता है एग्जिस्टेंशियल टॉर्चर के रूप में, क्योंकि जो चीजें दूसरों को सेटिस्फाई करती हैं, वो एक क्रिएटिव इंसान के लिए नहीं बनी। क्रिएटिव फोर्स का गोल कंजम्पशन नहीं बल्कि क्रिएशन होता है। अगर एक इंसान ने क्रिएटर की आग चोरी करी है, तो उसे उस आग को कुछ क्रिएटिव करने के लिए यूज करना ही होगा। क्रिएशन के अलावा हर दूसरा काम उसे टॉर्चर लगेगा और अपने पर्पस से भटकने वाली फीलिंग देगा। अगर आप प्रोमीथियस यानी एक क्रिएटिव और नॉन कन्फॉर्मिंग इंसान बनना चाहते हो, तो आपको बहुत सफर करना पड़ेगा और ये सफरिंग नॉन नेगोशिएबल है। आपको अपना फोकस जिंदगी के छोटे मोटे प्लेजर्स और उन चीजों से हटाना होगा जो आम लोगों की जिंदगी को मीनिंग देते हैं। आपका पर्पस बस दूसरों की तरह वीकेंड्स को एंजॉय करने, फ्रेंड्स या फैमिली से चिपके रहने या फिर मटेरियल चीजों को इकट्ठा करने से पूरा नहीं होगा। हर ताकत या फिर सुपर पावर बहुत से दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, और एक क्रिएटिव इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कल्चर की स्पिरिट को जिंदा रखना
और कंटिन्यूअली कलेक्टिव थिंकिंग को इवॉल्व होते रहने की इंस्पिरेशन देना, फिर भले ही उसे अपनी इस नॉन कन्फॉर्मिटी की कीमत अपनी जान से ही क्यों ना चुकानी पड़े। याद रखो, प्रोमीथियस फ्यूचर देखने के काबिल थे। उन्हें पता था कि अगर वो इंसानों की भलाई के लिए गॉड की फायर को चुराएंगे तो उन्हें हमेशा के लिए मौत से भी बदतर एक्सपीरियंस को झेलना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी सफरिंग से ज्यादा अपनी क्रिएशन को प्रधानता दी। आप भी जब सोशल कोड को तोड़कर इनोवेट करने और झुंड से कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, तब सोसाइटी आपके खिलाफ हो जाएगी और ज़ूस यानी इंसानों के सबसे अत्याचारी रूप को बाहर आने को बोलेगी आपको बुली करने और इंडिपेंडेंटली सोचने की पनिशमेंट देने के लिए। पर आपकी क्रिएशन इतनी वैल्यूएबल और मीनिंगफुल होनी चाहिए कि उसके आगे हर तरह की चोट और दर्द छोटे पड़ जाएं।